प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। एक और लोग कोरोना वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ कर रहे हैं। दूसरी ओर इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि कोरोना से किसी तरह का डर है, क्योंकि ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क, ना सैनिटाइजर, ऊपर से धक्का मुक्की और जोर जबरदस्ती, यहां तक कि छुटपुट हाथापाई भी हो रही है। यह सब जलगांव के सिंधी कॉलोनी स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर हो रहा था। वैक्सीनेशन सेंटर्स के अधिकारियों की तो कोई शायद सुनने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब भीड़ अपने पर आती है तो किसी की भी नहीं सुनती। लेकिन क्या ये सही है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए? इस संबंध में जलगांव के महापौर जयश्री महाजन से भी सवाल जवाब किए गए। जे वर्तून लसीकरण येत आहे ते भरपूर वैक्सीन कमी प्रमाणात येत आहे आणि नागरिकांमध्ये ती एक भीती आहे की आम्हाला लसीकरण मिळेल नाही मिळेल, त्यामुळे तिथे गर्दी, प्रचंड ही गर्दी होत आहे। नागरिकांना तिथे सूचना दिल्या जातात की आपण मास्क लावा, सोशल डिस्टन्सिंग वापर कर, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा, परंतु आणि आपण लिमिटेड तिथे नागरिक घेतो, 50 आपल्याकडे वैक्सीन असतील तर आपण 100 वैक्सीन, 150 वैक्सीन, या पद्धतीने सुद्धा सूचना तिथे दिल्या जातात, परंतु त्या पद्धतीने नागरिकांमध्ये भीती असल्यामुळे नागरिक त्या ठिकाणी गर्दी करतात। कोरोना की वैक्सीन फिलहाल कम है, इसलिए शहर में कुछ केंद्रों को बंद कर दिया गया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है। बस आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए। जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन कीजिए। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज़ के लिए।